नमस्ते, ये तुम्हारा फेवरेट चैनल है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारा सेकंड होम रेजीना जा रहे हैं। अभी हम टेनएम्ब्रा में रात का खाना खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने किचन ठीक से सेट नहीं किया है। आज मेरी बेटी गाड़ी चला रही है, ताकि मैं लोकल ओसाके का आनंद ले सकूं। अब हम पहुंच गए हैं। कारपेंटर्स ने पहले ही जापानी कमरे में काम करना शुरू कर दिए हैं। हमने तातामी मैट हटा दी और इसके बदले वुड फ्लोर कर दिए। हमने वॉलपेपर बदल दिया। हमने आकारी शोज और फुस्मा शोज दोनों का वॉलपेपर भी बदल दिया। शोजी घर का दरवाजे, खिड़कियाँ और पार्टीशन में इस्तेमाल किया जाता है। हम सेकंड फ्लोर पर भी शौचालय में वॉलपेपर लगा दिए हैं। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए गार्डन डेक का मरम्मत शुरू करते हैं। हम डेक की लकड़ी बदल दिए हैं, फिर उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग पेंट का दो कोटिंग लगा रहे हैं। हम वॉलनट का रंग पसंद किया। हमने इसे पूरे परिवार के साथ समाप्त किया। ये अनुभूति मजेदार था, लेकिन हम सब पूरी तरह से फ्लोर के रंग से रंगीन हो गए हैं। इसके बाद हम सीधा हॉट स्प्रिंग में आए। आज शरद ऋतु में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। कुछ पेड़ों के पत्ते लाल और पीले रंग में बदलने लगे हैं। ये फुटपाथ है। आप बाहर बैठ के सिर्फ अपना पैर डुबा सकते हैं। यहाँ रिजोर्ट में महिलाओं के लिए अंदर भी हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग जाने से पहले हमको अच्छी तरह से बाहर नहाना होता है। यहाँ के पानी में मिनरल्स कम होते हैं, इसलिए इसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। जापान में ऐसे ही पानी का हार्डनेस 50 होती है, लेकिन यहाँ बहुत सॉफ्ट वाटर मिलता है, जिसका हार्डनेस 15 है। हम इस पानी को पी सकते हैं और ये पानी भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। इसका इफेक्ट स्किन पर ही नहीं, बल्कि खाना को स्वादिष्ट करने में भी इसका इफेक्ट है। हॉट स्प्रिंग के बाद मैं ओटम की हवा महसूस कर सकते हैं। ये मौसम बाहर पर स्पेंड करना सबसे अच्छा है। चलिए ये सुंदर जंगल में वॉक करते हुए चलते हैं। चलिए मेरे घर का तस्वीरों को तुलना करते हैं। एक सेट मैंने एक महीना पहले ली थी, दूसरा मैंने हाल ही में मरम्मत के बाद ली हूँ। पहले हमारा गार्डन जंगल जैसा दिखता था। अब हमने पेड़ कट कर पार्किंग के लिए जगह बना दिए हैं। देखिए, पहले ये डेक सूखे पत्तों से भरकर कितना गंदा दिख रहा था, अभी पॉलिश होने के बाद नया जैसे दिख रहा है। हम डेक पर चाय या बारबेक्यू का आनंद ले सकते हैं। एंट्रेंस और घर के अंदर में बहुत कचरा था, हमने सब कुछ फेंक दी। हम फ्लोर में ग्रेनाइट डाल के दरवाजा और खिड़की को पेंट भी कर दिए हैं। कर्टन बहुत गंदा हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं, ये घर नेचुरल वुड से बनाया गया है। इतने दिन तक बंद रह के फ्लोर पूरा खराब हो गया था। अब खिड़कियों में साफ और नया कर्टन है और फ्लोर पॉलिश होके नया जैसे चमक रहा है। पहले मरीक का जल बहुत था। अभी हमने साफ किया।
हमने बहुत अनावश्यक चीजें फेंक दी। रसोई घर अंधेरा था। कुछ दरवाजों 2011 का आस्क्विक से टूटू गए थे। हमने हैंगिंग कैबिनेट को निकाल दिए हैं और लाइट्स वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। अभी मेरा रसोई टाइटेड और खुला खुला दिख रहा है। मैं किचन के वॉल खड़ा के लिए नेवी ब्लू और ब्राउन चुन्नी हूँ। यहाँ ड्रेसिंग रूम है। ये कमरा उत्तर की ओर है। ये ह्यूमिडिटी से पूरी तरह डैमेज हो गया था। हम मरम्मत के काम यहाँ से शुरू किए थे। अभी हमने हर कोना बदल दिए हैं और साफ कर दिए हैं। शौचालय पूरी तरह से टूटा हुआ था। हमने नया टॉयलेट लगाया है। ये आखिरी कमरा है जिसको मरम्मत और साफ करना था। हमने इस कमरे में सब कुछ बदल दिया। अब मेरी बेटी अच्छा तरह सो सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये मेरे घर का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा है। ये पेंटिंग मेरी पति के तरफ से मेरे लिए एक सरप्राइज चीज था। ये एक बेडरूम है। अभी हमने वॉलपेपर और मैट्रेस बदल दिए हैं। ये मेरे बेटा का कमरा है। ये मास्टर बेडरूम है। सभी मरम्मत के काम खत्म होने पर ये पेंटिंग घर के माहौल से मैच कर रही है। अभी मेरा घर नया जैसे चमक रहा है। हम अंत में खुशी महसूस कर रहे हैं और आज रात से हम विराम में रह सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं नया वीडियो लेके आपके पास आऊंगी।